अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान आलम लर्निंग जंक्शन की तरफ से फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे कि अपने जीमेल से किसी को मेल कैसे करेंगे। इससे पहले हमने सीखा था कि अपना जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, आज सीखेंगे कि अपने जीमेल से किसी को मेल कैसे करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो पहले आप अपना जीमेल क्रिएट कर लें, तभी तो आप किसी को मेल कर पाएंगे। तो जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि कैसे क्लिक करेंगे। आप वो वीडियो देखें और सीख जाएं कैसे क्रिएट करेंगे, फिर आप क्लिक क्रिएट करके ये वीडियो देखें, या फिर आपके वीडियो के ऊपर एक एनोटेशन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप ये वीडियो, मतलब इससे पहले जो वीडियो हाउ टू क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, वो वीडियो देख सकते हैं। देख कर पहले अकाउंट क्रिएट करें, फिर ये वीडियो देखें। और अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं तो फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप यहाँ पर क्लिक करके लर्निंग जंक्शन पेज खोलें और यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट के टिप्स, ट्रिक एंड ट्यूटोरियल, बहुत सारे नॉलेज की बातें करते हैं, बहुत सारी नॉलेज वाली वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप इसको देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लाइक न करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास कि मेल कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने यहाँ पर एड्रेस बार में जीमेल टाइप करते हैं। चलिए टाइप करें gmail, जीमेल टाइप करें .com, और उसके बाद इंटर प्रेस करें। ये हमारा साइन इन है इसलिए ये खुल जा रहा है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपने यहाँ एड्रेस बार में जाने के बाद से जी मेल टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद देखिए यही पेज खुलेगा आपका। तो खुलने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। तो उस दिन हमने जो ईमेल आईडी बनाया था उस ईमेल से हम पहले सीख लेते हैं। ईमेल आईडी था हमारा ये, हमारी ईमेल आईडी था, ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद से अपना वो जीमेल या @gmail कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये डालने के बाद से आप नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ देखिए पासवर्ड मांगेगा, आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे जो आपका पासवर्ड आपने बनाया है। तो हमारा पासवर्ड था उसके बाद से डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि ऐड फोन करने के लिए, ईमेल आईडी डालने के लिए, ये इसलिए बोल रहा है कि आपका रिकवरी करने के लिए, कि आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो उससे रिकवर कर सके। तो इस ऑप्शन को हम स्किप कर दिए और डायरेक्ट अपने, अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर अपना मोबाइल और आपका दूसरा अगर कोई ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ईमेल आईडी था नहीं हमारा, इसलिए तो बनाए थे। तो अगर किसी और का डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ताकि अगर पासवर्ड भूल जाए तो फॉरगेट कर लें, और मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा ईमेल आईडी खुल गया, ये पेज है। ये तीन मेल आए हुए हैं हमें गूगल की तरफ से, जीमेल टीम की तरफ से, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो चलिए मेल भेजने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो रेड कलर में कंपोज लिख के आ रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए जैसे ही यहाँ पर क्लिक किए तो एक एक ये डायलॉग बॉक्स खुल के आया। अब यहाँ पर हमें लिखना है कि उसका एड्रेस जिसे हम मेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम अपने एक दोस्त को मैसेज करके देखते हैं मेल करके। चलिए अपने एक दोस्त का हम ईमेल आईडी टाइप करते हैं।
तो ईमेल आईडी देने दिए, उसके बाद देखिए ये हमने ईमेल आईडी दे दिया। आप चाहे तो ये एक इसमें जितने चाहे उतने मेल कर सकते हैं, जितने चाहे उतने ईमेल आईडी डालने के बाद से आप मेल भेज सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पर सीसी या बीसीसी पे क्लिक करने के बाद से फिर आप ईमेल आईडी यहाँ पर फिर ईमेल आईडी दे सकते हैं, फिर बीसीसी पे क्लिक करके यहाँ एक ईमेल आईडी दे सकते हैं, या चाहे तो इसी में बहुत सारी ईमेल आईडी दे सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरा ईमेल आईडी हम एक और एक दोस्त को, दोस्त का ईमेल आईडी इसमें डालते हैं। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद से देखिए यहाँ पर लिख रहा है सब्जेक्ट, तो आप यहाँ सब्जेक्ट में वो चीज़ लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब विषय, आप किस विषय में आप मेल कर रहे हैं, क्या बात करेंगे आप मेल करके, किस लिए मेल कर रहे हैं, तो आप वो यहाँ पर सब्जेक्ट में टाइप करेंगे। तो चलिए हम टाइप करते हैं, उसके बाद से फिर यहाँ पर हम अपना मैसेज लिखेंगे। हमने ये मैसेज लिखा, उसके बाद से मैसेज लिखने के बाद देखिए सबसे नीचे यहाँ पर एक सेंड का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए सेंड का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए ये जो है ये ईमेल आईडी ये गलत बता रहा है, तो इस ईमेल आईडी को हमें सही करना होगा। अच्छा, ये हमने डॉट कॉम दिया ही नहीं, डॉट कॉम, चलिए अभी ये सही है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है सेंड बटन का, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मैसेज आया, हमारा मैसेज सेंड हो गया, यहाँ पर आ रहा है योर मैसेज हैज बीन सेंड, मैसेज सेंड हो गया। उसके बगल में एक आ रहा है व्यू मैसेज, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो जो मैसेज हमने सेंड किया था वो मैसेज यहाँ पर शो कर रहा है। तो हमने ये मैसेज सेंड कर दिया और हमने सीख लिया कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने मेल करना सीख लिया। अभी देखिए यहाँ पे यहाँ फोटो नहीं लगा हुआ है, तो चलिए अपना प्रोफाइल फोटो लगाना सीख लेते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए चेंज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से ये एक बॉक्स जैसा खुला हुआ है, देखिए यहाँ पर अपलोड फोटो दे रहा है, तो आप चाहें तो अपने कंप्यूटर से यहाँ अपने फोल्डर से ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ क्लिक करके सर्च कर सकते हैं कि कहाँ पर है आपका फ़ोटो। देखिए ये रहा फ़ोटो, इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे, उसके बाद से यहाँ पर आप क्रॉप कर लेंगे कि आपको कितना साइज का फ़ोटो चाहिए, कैसा चाहिए। उसके बाद से देखिए यहाँ सेट सेट एज प्रोफाइल फ़ोटो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देखिए हमारा यहाँ फ़ोटो लग गया। तो आज हमने सीखा कि कैसे मेल करते हैं किसी को और कैसे प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करते हैं या लगाते हैं। तो शुक्रिया, और सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।